हेलो एवरीवन, दिस इज कृपा कोसम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ लेस्टर में और यहाँ पे 1 डिग्री है और मुझे काफ़ी ठंडी लग रही है। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि रेस्टोरेंट में जॉब्स कैसी होती है और पे कैसा होता है। सो आई हैव गॉट टू फ्रेंड्स ऑफ माइंड, वन हु वर्क्स इन एन इंडियन रेस्टोरेंट एंड अदर वन हु वर्क्स इन मैकडोनल्ड्स। सो लेट्स टॉक विद दैम। सो गाइज, दिस इज माई फ्रेंड वैभवी एंड शी स्टडी इन विच यूनिवर्सिटी? मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी। ओके, इट्स इन लेस्टर। तो ये एक इंडियन रेस्टोरेंट में जॉब करती है। तो लेट्स टॉक विथ हर कि आपको ये रेस्टोरेंट में जॉब मिली कैसे, आपने कैसे फाइंड किया? या सो बेसिकली आई केम हियर इन सेप्टेम्बर इंटर और मैं जब आई तब एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग जॉब फाइंड करने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ के जो फेमस जहाँ पे रेस्टोरेंट रूट्स है उनका बारे में जानकारी ली। तो यहाँ पे दो जगह पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है बेसिकली लेस्टर में, नार्बरो रोड एंड वन इज इन मेल्टन रोड। सो मैं सारे रेस्टोरेंट में ऐसे ही रैंडमली पूछने के लिए जाती थी कि इज देयर एनी जॉब वैकेंसी पार्ट टाइम, और वो लोग नंबर लेते थे। तो बेसिकली मुझे एक दिन कॉल आया मेरे जो मैं वर्क करती हूँ वो रेस्टोरेंट से, मैनेजर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, फिर उसने मेरा 1 डे ट्रायल लिया, देन मुझे कॉल बैक आया कि यू आर सिलेक्टेड इन अ रेस्टोरेंट। सो दैट्स हाउ शी फाउंड हर जॉब, कि आप पर्सनली जाओ सारे रेस्टोरेंट्स पे और वहाँ जाके आपका CV दो, रिज्यूमे दो, एंड दैट्स हाउ दे कॉन्टेक्ट यू फॉर जॉब। सो दिस इज द वन रूट हाउ यू कैन फाइंड द जॉब। या सो नाउ व्हाट्स योर पे, आपको कितना पे मिलता है पर आर आपके? बेसिकली इन अ रेस्टोरेंट यू ऑलवेज गोट अ मिनिमम वेज, लाइक हियर योर मिनिमम वेज इज 9.50 पेनी। सो आई गॉट द सेम। ओके, शी गेट्स द मिनिमम वेज विच इज 9.50। ओके, एंड आपका टाइमिंग्स कैसा है? लाइक यू आर एस शी इज अ स्टूडेंट, शी वर्क्स 20 आवर्स, तो आपका टाइमिंग्स कितने कितने हैं? बेसिकली रेस्टोरेंट में मोस्टली वीकेंड्स बिजी रहता है यहाँ पे, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मुझे फ्राइडे सैटरडे संडे इवनिंग में बेसिकली शिफ्ट मिलती है, या फिर वीकडेज में 1 डे 2 डे। सो फ्लेक्सिबल रहता है क्योंकि, और इसमें फायदा ये रहता है कि मैं मॉर्निंग में यूनी अटेंड कर सकती हूँ और इवनिंग में मुझे जॉब बेनिफिट्स मिल सकता है। या सो शी गो फॉर यूनी, उसके लेक्चर्स वगैरह रहते हैं मॉर्निंग में तो, और शाम को उसकी जॉब रहती है। सो दैट्स हाउ शी मैनेज हर जॉब एंड हर स्टडीज। एंड व्हाट बेनिफिट्स डू यू गेट फ्रॉम योर जॉब? कुछ अच्छा आपको खाने वाने मिलता होगा, ऐसा कुछ तो आप बता सकते हो? या बेसिकली ईच एंड एवरी डे व्हेनेवर आई गेट द शिफ्ट मुझे इंडियन टेस्टी फूड खाने को मिलता है। लाइक और बेसिकली एज अ स्टूडेंट लाइफ आप समझ सकते हो, उस दिन मुझे कुकिंग नहीं करनी पड़ती। तो एक बेनिफिट रहता है। सो 3 दिन उसको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, 3 दिन वो उधर से खाना लेके आ सकती है। सो दैट्स द प्लस पॉइंट वर्किंग इन रेस्टोरेंट। एंड बेसिकली इट्स एन इंडियन रेस्टोरेंट बट सारे जो गेस्ट है वो ब्रिटिश आते हैं। सो आई गॉट टू नो दैट देयर कल्चर एंड I learn many new things than each and every time whenever I get this. No, कि हमारी इंडियन रेस्टोरेंट्स में इंडियन से ज्यादा ब्रिटिश या यहाँ की पब्लिक आ रही है, तो ये हमारे लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। हमारी पब्लिक को इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि एज अ गर्ल लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसी कैसी जॉब मिल सकती है। सो नाउ विल टॉक विथ माई अदर फ्रेंड हु वर्क्स इन मैकडोनल्ड्स। सो गाइज, ही इज माई फ्रेंड जलपेश एंड ही इज ऑन PSW नाउ, बट ही वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट इन दैट इज मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स में आपको जॉब कैसे मिली पहले आप ये बताइए। वन ऑफ माई फ्रेंड हु जस्ट वर्किंग इन अ मैकडी, सो ही जस्ट प्रोवाइड मी अ रेफरेंस एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर। सो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बिजनेस में सबसे बात करनी पड़ती है। वहाँ पे मेरी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे पहले मेरा इंटरव्यू हुआ, बाद में शेड्यूल इंटरव्यू हुआ, उसके बाद वहाँ पे मीटिंग होती है, वो मीटिंग में बाद में मैं सिलेक्शन हुआ है मेरा, और उसके बाद वहाँ पे मैं अभी 1.5 साल से हूँ वहाँ पे। सो और वहाँ पे अभी अच्छा काम रहता है, लाइक मेरा फुल टाइम है। सो मेरा मॉर्निंग 10 to 6 होता है मंडे टू फ्राइडे, और रिमेनिंग वीकेंड्स में फ्री होता हूँ। ओके, सो ये फुल टाइम जॉब करते हैं मैकडोनल्ड्स में, और जैसे उन्होंने बताया कि उनको किसी रेफरेंस से मिला, तो अगर आपका कोई ना कोई फ्रेंड जो वैकडी या ऐसे कोई रेस्टोरेंट में वर्क कर रहा है, सो आप उनके कांटेक्ट करके उनका रेफरेंस देके आपको जॉब मिल सकती है। दैट्स हाउ ही गॉट द जॉब। एंड नेक्स्ट कि ये फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, जैसे ये बताया 10 to 6, राइट? या परफेक्ट। सो 10 to 6 इनका टाइमिंग है। एंड व्हाट इज योर वेज, लाइक व्हाट पाउंड्स व्हाट यू गेट पर आवर?
पर आवर आई गेट 10 pounds बिकॉज मैकडी में ऐसा होता है कि लाइक डिपेंड्स ऑन द यूएस बेस लाइक वहाँ पे कैसे वेजेस इंक्रीज होता है लाइक सितंबर में एवरी टाइम इंक्रीज होता है लेकिन एज पर द यूके बेस दे नीड टू इंक्रीज एज वेल ऑन मार्च उस तरह से वो वेजेस इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे जनरली बेसिक वेजेस है अभी 950 तो वहाँ पे 50 pence इंक्रीज होता है ओके सो हमारा बेसिक पे मैंने आगे बताया 9.50 था लेकिन मैकडी में उनको मिल रहा है 10 pounds जो कि 50 pence एक्स्ट्रा मिल रहा है मैकडोनल्ड्स में तो आपको वहाँ पे क्या वर्क करना होता है मैकडोनल्ड्स में आपकी क्या क्या वर्क होता है बेसिकली लाइक मैकडी में कैसा होता है लाइक आपको फ्लेक्सिबल वर्क होता है फ्लेक्सिबल वर्क मतलब कैसा होता है लाइक आपको ऐसा नहीं कि लाइक पर्टिकुलर एक चीज पे रहना होता है ओके तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड का वर्क होता है लाइक आपको डिलीवरी में भी रहना होता है फ्रंट में भी रहना पड़ता है एंटरप्रेन्योर भी करना पड़ता है सो डिपेंड्स ऑन दैट लाइक आपको टिल पे भी जाना पड़ता है ओके सो ही मीन टू से कि उनको किचन में फिर स्टाफ जो रहता है टिल रहता है जहाँ पे वो लोग मनी का जो बिल विल रहता है हाँ दैट इज टिल वो सब करना होता है तो उनको ऑलराउंडर सभी जगह पे उनका वर्क रहता है फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग और फिर आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वहाँ से कुछ ऐसा कुछ आप बता सको बेनिफिट्स मतलब मेरा ये ऐसा है वहाँ पे कि लाइक हमें वहाँ पे 4 या 5 points मिलता है लाइक तो क्या होता है तो उस हिसाब से हमें वहाँ से फूड भी मिल जाता है सो वन टाइम का फूड और वो सब कुछ मिलता है और सेकंड थिंग कि आपका एवरी मंथ अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी देते हैं और क्वार्टर ऑफ द ईयर भी क्वार्टर ऑफ द मंथ भी देते हैं वहाँ पे ओके दैट्स ग्रेट कि इनका कहना है कि मैकडोनल्ड्स में 4 या 5 points रहते हैं तो ईच पॉइंट आपको एक फूड आइटम मिलती है जैसे कि बर्गर फ्राइज ड्रिंक्स आइसक्रीम है ऐसा करके उनको 4 points में ईच डे पर डे आपको ऐसे पॉइंट्स मिलते रहेंगे राइट तो उनको वहाँ से फूड भी मिलता है तो एवरी रेस्टोरेंट पे आपको फूड तो मिल ही जाएगा तो इसकी तो चिंता है ही नहीं कि इतने दिन आपको बाहर से खा सकते हो आप घर पे बनाने की जरूरत नहीं है और ऐसा बहुत हार्डवर्क रहता है ऐसा सुना है कि रेस्टोरेंट्स है तो दे आर लाइक वेरी बिजी ऐसा मैकडोनल्ड्स को तो ऐसा बोलते हैं वेरी बिजी तो आपको हार्डवर्क कैसा रहता है बहुत ज्यादा वहाँ पे कुछ भी हार्डवर्क नहीं होता है वहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्क होता है मैंने जैसे आपको पहले बोला वहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्क मतलब क्या होता है जब बिजी हो जाता है तो सब लोग एक साथ काम करते हैं ओके जो मैनेजर होता है इवन जो बिजनेस मैनेजर है वो भी आ जाता है ऐसा होता है लाइक एक टीम होके वर्क करते हैं लाइक बिजी नहीं है तो लाइक अपनी तरीके से काम कर सकते हैं लेकिन एवरी एम्प्लॉय अपना काम देख लेता है तो थैंक यू सो मच आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए गाइज आपने देखा कि दो मेरे फ्रेंड्स जो एक इंडियन रेस्टोरेंट में वर्क करता है और एक मैकडोनल्ड्स में वर्क करता है तो आपको पे भी पता चला कैसे उनको जॉब मिली उनका पे कितना है और उनके टाइमिंग्स ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिली आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो देन मेक श्योर यू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट इट दैट्स इट फॉर टुडे बाय बाय एंड लेट्स मीट मी द कैमरा रिकॉर्डर